नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 मई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से नीट यूजी की परीक्षा शुरू। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज होगा खत्म। बिहार के इस रूट पर चलेगी नई अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने हटाया प्रतिबंध। मोबाइल नंबर के 10 अंकों के होने का जानिए कारण। आईपीएल 2024 में आज सीएसके व पंजाब किंग्स और केकेआर व लखनऊ की टीम की भिड़ंत। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर। भारतीय नौसेना में 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। अग्निवीर के SSR और MR के पदों पर भर्ती निकाली गई है। अविवाहित महिला और पुरुष इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://www.joinindiannavy.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 13 मई से शुरू होगी। 27 मई तक या उससे पहले तक इसमें आवेदन किया जा सकता है। इसके माध्यम से कई पदों पर बहाली ली जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच होनी चाहिए। आज से नीट यूजी की परीक्षा शुरू। आज से नीट यूजी की परीक्षा शुरू हो रही है। इस परीक्षा में बिहार के 1,39,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए राज्य के 35 अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। सिर्फ पटना में 68 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। परीक्षा के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हर केंद्र के कक्ष में अधिकतम 24 विद्यार्थी के बैठने की अनुमति होगी। मालूम हो कि दोपहर के 2 बजे से शाम के 5:20 पर तक के लिए परीक्षा ली जाएगी। NTA के अनुसार विद्यार्थियों को फुल बाजू की शर्ट, कुर्ता या किसी भी तरह की धार्मिक पोशाक पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही जूते मोजे पहनकर भी परीक्षा नहीं दे सकते हैं। वेबसाइट https://exams.nta.ac.in पर परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देशों को देखा जा सकता है। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे सुरूर होदा के बारे में। सुरूर होदा का जन्म आज के ही दिन 1928 में हुआ था। ये एक समाजवादी राजनेता और ट्रेड यूनियनिस्ट थे जो महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित आदर्शों में विश्वास करते थे। इन्हें MS होदा के नाम से भी जाना जाता था। वे जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के तुरंत बाद इंडियन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। सुरूर होदा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल लगाने और नागरिक स्वतंत्रता के निलंबन के खिलाफ भारत के बाहर जनमत जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1983 में होदा ने ब्रिटेन में गांधी फाउंडेशन बनाया। ब्रिटेन में सामुदायिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिए सेवाओं के लिए होदा को 2000 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत के उच्चायुक्त द्वारा 15 अगस्त 2000 को लंदन में विदेश सम्मान से सम्मानित किया गया था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज होगा खत्म। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अररिया, झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल में चुनाव होना है। इसका प्रचार प्रसार आज थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। अधिकतम पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे। तीसरे चरण में राज्य में 54 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी, जबकि 14 लाख से अधिक वोटर्स मतदान करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक राज्य में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग को मिलाकर 40 में से 9 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि 7 मई को 5 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार के इस रूट पर चलेगी नई अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बिहार को जल्द ही अलग अलग रूटों पर वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। इससे अलग अलग राज्यों के शहरों में दिल्ली, हावड़ा जैसे रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने मुजफ्फरपुर और जयनगर स्टेशनों से 15 जून 2024 के बाद कभी भी वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करने की बात कही है। वहीं जल्द ही इसे लेकर आधिकारिक सूचना भी जारी की जा सकती है। इस रूट पर ट्रैक की स्पीड बढ़ाने को लेकर तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि मई के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। स्पीड मरम्मत को लेकर रेल मरम्मत का काम पूरा होने वाला है। दरभंगा से दिल्ली और अक्सौल के लिए अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। सहरसा और हावड़ा और पटना से नई दिल्ली के रूट पर वंदे भारत ट्रेन की चलाने की योजना है। बिना सूचना दिए स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के सैलरी काटने को लेकर आदेश। बिना सूचना दिए हुए ही स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के सैलरी काटने से संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। बिहार के भागलपुर जिले में 23 शिक्षकों के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक्शन लिया है। ये लोग 29 अप्रैल को निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित पाए गए थे। इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी करके इनके एक दिन के वेतन में कटौती का आदेश है। आपको बता दें कि राज्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में 23 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। पिछले महीने बिहार के अररिया जिले में अनुपस्थित रहने वाले 164 शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई थी। मोबाइल नंबर के 10 अंक के होने का जानिए कारण। भारत में मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, इसका कारण भी है। इसके पीछे की प्रमुख वजह राष्ट्रीय नंबरिंग योजना यानी NNP है। इसके अनुसार भारत में 0 से लेकर 9 तक यानी सिर्फ 10 अंकों के नंबर को बनाया जा सकता है। देश की जनसंख्या भी 10 अंकों के मोबाइल फोन नंबर होने का एक कारण है। गणना के हिसाब से देखा जाए तो 10 अंकों के नंबर करीब 1,000 करोड़ अलग अलग नंबर बनाकर लोगों को बांटे जा सकते हैं। इसके बाद 130 करोड़ लोगों को अलग अलग नंबर बांटना आसान हो जाता है। ये कारण है कि भारत में 10 अंकों का नंबर होता है। पटना में दोहरी मेट्रो सुरंग का काम इसी महीने होगा पूरा। बिहार की राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक मेट्रो की खुदाई का काम चल रहा है। ये कार्य इसी महीने पूरा हो जाएगा। मालूम हो कि इस साल मार्च तक स्टेडियम से लेकर पटना विश्वविद्यालय तक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद दूसरी खुदाई का काम चल रहा है, इसे अब जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पटना मेट्रो कॉरिडोर 2 के अंतर्गत मेट्रो रेल के आने जाने के लिए 2 अलग अलग सुरंगों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मार्च या अप्रैल के महीने में स्टेडियम से चैनल बोरिंग मशीन से खुदाई का काम शुरू किया गया था। अब दूसरी सुरंग भी बनकर तैयार हो जाएगी। इधर बेली रोड में खुदाई का काम जारी है। कॉरिडोर 1 और 2 दोनों रूटों पर काम किया जा रहा है। सड़क पर बिना डॉक्यूमेंट ड्राइविंग करने पर घबराने की जरूरत नहीं। सड़क पर डॉक्यूमेंट के बिना गाड़ी चलाने पर घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर भी आपको पुलिस नहीं रोकेगी, और अगर रोकती है तो आपको सिर्फ एक नंबर पर मैसेज भेजना है। डिजी लॉकर ने एक सर्विस की व्हाट्सएप पर शुरुआत की है। इसके लिए आधिकारिक नंबर जारी किया गया है। आधिकारिक नंबर 9013151515 पर नमस्ते या हाय लिखकर भेजना है। इसके अलावा डिजी लॉकर भी लेकर भेजा जा सकता है। इसके बाद आपको डिजी लॉकर पर मौजूद तमाम दस्तावेज मैसेज के जरिए आ जाएंगे। इस दस्तावेज को आप ट्रैफिक पुलिस को आराम से दिखा सकते हैं। प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने हटाया प्रतिबंध, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया है। ऐसे में अब विदेशों में भी प्याज भेजा जा सकेगा। हालांकि प्रतिबंध हटाने के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 यानी 45,860.02% कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटा देने के बाद ये फैसला आम लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने कई तरह की सावधानी बरतते हुए इस फैसले को लिया है। अब भारत से विदेशों में प्याज भेजने की बाधा दूर हो चुकी है। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी का नया पोस्टर रिलीज। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। फिल्म का निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की ने किया है। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि वीडियो क्लिप में मनोज वाजपेयी को एक्शन अवतार में दिखाया गया है। फिल्म में मनोज वाजपेयी के अलावे अभिनेता सुविंदर विक्की, जतिन गोस्वामी, विपिन शर्मा और जोया हुसैन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। नए पोस्टर में फिल्म के रिलीज तारीख का भी खुलासा किया गया है। इसके अनुसार 24 मई को फिल्म सिनेमाघरों में आ जाएंगी। मालूम हो कि पोस्टर में एक्टर काफी खूंखार नजर आ रहे हैं। बिहार में मेला हाट बाजार और जलकर के टेंडर से वसूले जाएंगे करोड़ों रुपए। बिहार में करीब 11,000 सैरात स्थित है। इसमें करीब 100% राजस्व प्राप्त करने का मकसद तैयार किया गया है। इसके लिए सख्ती को बढ़ा दिया गया है। राज्य में सैरात बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले मेला, स्थानीय हाट बाजार, जलकर आदि से 100% राजस्व प्राप्त किया जाएगा। इससे अनुमानित सालाना राजस्व करीब 500 करोड़ का तय किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त से कागजात की मांग की है। वहीं दोषी पदाधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश है। पटना जू के द्वारा तैयार होगा एनिमेटेड फिल्म। पटना जू के द्वारा कार्टून वाली एनिमेटेड फिल्म तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि पटना जू के 3D थिएटर में भी एनिमेटेड फिल्म को चलाया जाता है। इसमें 4 एनिमेटेड फिल्म चलती हैं। अब सिंगापुर की टीम के द्वारा पटना जू की ओर से एनिमेटेड फिल्म तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। पटना जू की तरफ से सिंगापुर स्थित फर्मोक या किसी अन्य एजेंसी को विकल्प शामिल करने की संभावना देखी जा रही है। फिल्म के निर्माण से पहले MOU साइन होगा। आपको बता दें कि फिलहाल बच्चों का रुझान 3D फिल्म की ओर से काफी अधिक है। बिहार में आज से बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
बिहार में आज से बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 4 दिनों तक वज्रपात के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवा चलने के भी आसार जताए गए हैं। अगले 5 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 9 मई तक बारिश के आसार है। राज्य के उत्तर पूर्वी जिले जैसे कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में आज बारिश की चेतावनी है। दक्षिण पूर्व बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अब लोगों को लू से राहत मिल सकती है। गर्मी में इस रंग के छाते को लेकर निकले बाहर। गर्मी में धूप से बचना जरूरी होता है, लेकिन कई बार जरूरी कामों के कारण धूप में निकलना पड़ता है। ऐसे में कई लोग धूप के से बचने के लिए छाते का उपयोग करते हैं, लेकिन इस दौरान लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि धूप से बचने के लिए कौन से रंग के छाते का इस्तेमाल किया जाए। मालूम हो कि छाता एक पुरानी तकनीक है और ये गर्मी से लेकर बारिश तक हमारा बचाव करती है। आपको बता दें कि आप सामान्यतः किसी भी रंग के छाते का उपयोग करेंगे तो धूप से बच जाएंगे, लेकिन काले रंग के छाते का उपयोग करने से आप धूप से अधिक बच सकते हैं। इसे ऑब्जर्वर ऑफ हीट कहा जाता है। इसमें गर्मी को सोखने की अधिक क्षमता होती है। गर्मी में अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप धूप से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार पुलिस ने जाली नोटों के साथ तस्करों को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार पुलिस ने कार्रवाई की है। मोतिहारी पुलिस ने जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 12,90,000 के जाली नोटों के साथ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। मोतिहारी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश से भारतीय जाली नोट के खेप पहुँचाने के पहले इसे जब्त कर लिया। गिरफ्तार दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि वाहन जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को बताया शहजादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन बिहार के दरभंगा जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया है। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी और समस्तीपुर को साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को शहजादा बताया है। साथ ही कहा है कि वो बिहार को अपनी जागीर मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी खूब हमला बोला है और कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी धर्म के नाम पर आरक्षण देने का विरोध किया था। अब कांग्रेस उनकी भावना के विरोध में जाकर मुसलमानों को कोटा देने की तैयारी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर बोला हमला। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर हमला बोला है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि देश में नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, विकास जैसे मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की बजाय 10 वर्षों की मोदी सरकार नफरत और ईर्ष्या बांट रही है। इनकी खुद की कुर्सी खतरे में होती है तो ये कहते हैं कि देश के नागरिक ही खतरे में है। ये कौन सी राजनीति है जिसमें सरकार ही देश के नागरिकों को डरा रही है, आपस में डरा रही है। मालूम हो कि तेजस्वी यादव फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर। भाजपा ने रोहिणी आचार्य पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। भाजपा ने सारण से राजद की लोकसभा उम्मीदवार और पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत की है और रोहिणी की नागरिकता पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा के लीगल सेल के संयोजक एसडी संजय ने निर्वाचन पदाधिकारी से आवेदन देकर रोहिणी आचार्य के शपथ पत्र में कई खामियां गिनाई हैं। साथ इनके खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया है। भाजपा के द्वारा कहा गया है कि सारण प्रत्याशी के द्वारा आय से संबंधित सही जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया बड़ा आरोप। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को बिहारियों से चिढ़ है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि वो इस बात को किसी न किसी बहाने दर्शाने से नहीं चूकते हैं। पीएम ने बिहार में आकर बिहार की जनता के जख्म को कुरेदने का काम किया है, साथ ही उन्हें भड़काने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री बिहारियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाए थे। पीएम बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। आईपीएल 2024 में आज सीएसके व पंजाब किंग्स और केकेआर व लखनऊ की टीम के भिड़ंत। आईपीएल 2024 के 53वें मैच में आज सीएसके व पंजाब किंग्स का मुकाबला होने वाला है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इन दोनों
टीमों के बीच मैच होगा। मालूम हो कि सीएसके की जगह प्लेऑफ में कायम है, जबकि पंजाब किंग्स ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही अच्छा प्रदर्शन करने की शुरुआत कर दी है। दूसरी ओर आज आईपीएल के दूसरे मैच में या यूं कहें कि 54वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी, जबकि कोलकाता अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। आईपीएल का मैच चल रहा है और इसे दर्शकों के द्वारा पसंद भी किया जा रहा है। आप इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के सीजन में किस टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना 1949 में हुई थी। फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय 1984 में बने थे। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक सिलहट में शुरू। बेल्जियम में गुया वेरहोफ सराट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का पतन 2003 में हुआ था। एनटीपीएस के रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगातार तीसरे वर्ष ग्रीनटेक गोल्ड सेफ्टी अवार्ड 2008 में मिला। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का अंतिम संस्कार 2008 को संपन्न हुआ था। राजस्थान सरकार द्वारा गुर्जरों को 1% आरक्षण तत्काल और 4% का बैकलॉग रखने के समझौते के बाद गुर्जरों ने 2010 में आंदोलन समाप्त कर दिया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ने सभी कोर्सों में सेक्स वर्कर्स और उनके आश्रितों की फीस माफ करने की घोषणा 2010 में की थी। संगीत और सफलता का सही मिश्रण कहे जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली ने 2006 में आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1916 में जन्म हुआ था। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का जन्म 1937 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज समरेश जंग का जन्म 1970 में हुआ था। व्हाट्सएप पर ये गलती करने के बाद नहीं कर सकेंगे मैसेज। व्हाट्सएप अपने नए फीचर पर काम कर रहा है। इसकी मदद से यूजर्स को अब्यूजिव स्पैम मैसेजेस से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप रिस्ट्रिक्शन फीचर की सहायता से स्पैम मैसेज भेजने वाले अकाउंट और चैनल्स को रिजेक्ट किया जाएगा। इस कारण से वो नए चैट को खोल नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका अकाउंट भी रिजेक्ट हो सकता है। जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप बीटा एंड्रॉयड 2.24.10.5 अपडेट गूगल प्ले स्टोर पर यह सुविधा मौजूद है। इनसे अकाउंट रजिस्टर्ड करने वाले लोगों को नए फीचर्स के बारे में जानकारी मिलती है। एयर इंडिया ने पैसेंजर्स के सामान ले जाने के लिमिट में किया बदलाव। एयर इंडिया ने एयरलाइन की फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए सामान ले जाने के लिमिट में बदलाव किया है। घरेलू विमान में न्यूनतम किराए वाली कैटेगरी में एक यात्री के लिए कैबिन में रखने के लिए सामान का न्यूनतम वजन 20 किलोग्राम से घटाकर 15 किलोग्राम कर दिया गया है। 15 किलोग्राम के वजन के साथ एयर इंडिया में कई लगेज लेकर जाया जा सकता है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने पिछले अगस्त में पेस मूल्य निर्धारण के मॉडल में बदलाव किया है। एयरलाइन की ओर से कहा गया है कि सभी के लिए एक साइज का नजरिया अब आदर्श नहीं माना जाएगा। टाटा ग्रुप ने साल 2022 में सरकार से एयर इंडिया की अधिग्रहण किया था। मालूम हो कि इसके निजीकरण से पहले एयरलाइन में 25 किलो सामान मुफ्त में ले जाने की इजाजत थी। मॉरिशस के महोत्सव में भोजपुरी सिनेमा का होगा व्याख्यान। मॉरिशस में भोजपुरी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसमें भोजपुरी सिनेमा का व्याख्यान किया जाएगा। आपको बता दें कि मॉरिशस सरकार के कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में 6 मई से लेकर 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें दुनिया भर से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। भारत की ओर से भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर पेपर पढ़ने के लिए भोजपुरी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार व सिनेमा के इतिहासकार मनोज भावुक को मॉरिशस की सरकार ने आमंत्रित किया है। मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन करेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है 8वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 15वीं, ऑप्शन डी है 20वीं। इसका सही उत्तर है 10वीं। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है शुंग काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, ऑप्शन डी है पाल काल। इसका सही उत्तर है शुंग काल। HINI विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए है एड्स,
ऑप्शन बी है बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी है डेंगू, ऑप्शन डी है स्वाइन फ्लू। इसका सही उत्तर है स्वाइन फ्लू। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से कितने स्थान पर है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी है 155, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 160। इसका सही उत्तर 159। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी है 3 मई, ऑप्शन डी है 4 मई। इसका सही उत्तर है 3 मई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विकास दास, अदिति, अनवर, करीम खान, राज किशोर महतो, रंजीत मिश्रा, अतीक खान, मोहम्मद, साकिर हुसैन, संजीव कुमार, पवन सिंह, जितेंद्र ठाकुर, सादुल्ला पालवी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है गर्मियों में आप किस तरह का भोजन करना पसंद करते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।